तो भाई बारिश का मौसम हो रहा है, पूरी रात बढ़िया बारिश हुई है और आप देख सकते हो मौसम एकदम सुहाना हो रहा है। कल पूरे दिन बारिश हुई, रात में बारिश हुई, बट ये देख लो आप हालत ग्रेटर नोएडा में। ये एक अच्छी बात है कि पानी नहीं भरता, बाकी मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। तो पेड़ों के नीचे गाड़ी खड़ी करने का ये नुकसान है, आप देख सकते हो कुछ ना कुछ गिरता रहता है पेड़ों से, और अब इसकी सफाई करना है ऐसे मौसम में समझ में नहीं आता करें या नहीं करें। और यहाँ पर रिपेयरिंग का काम हुआ है तो रिपेयरिंग तो कर देते हैं। अरे गिलहरी दिखाई दे रही है, देखो दोस्तों गिलहरी के दर्शन करा देते हैं। ओ दो हैं, ओ खेल रहे। और ये कुत्ते ना दोनों ये यहीं रहते हैं और इन्होंने भी एक गाड़ी में नुकसान कर दिया है, वो भी दिखाऊंगा आपको आज। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, क्या हाल है आप लोगों के? भाई आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी हमारी तो आपने देखा होगा कि हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले जो है अपनी गाड़ी के लिए मिल जाए, और वो अभी तक नहीं मिला है। बट फाइनली कुछ अपडेट्स आए हैं ऑनलाइन, मैंने देखा कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उनको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले जो है वो मिल गया है। तो हम भी जाके चेक करते हैं, हालांकि ऑनलाइन ज़्यादा पता नहीं चला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि Z8 के लिए आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ Z6 के लिए भी आ गया है। तो ये तो भाई सर्विस सेंटर पे जाने के बाद ही पता चलेगा, तो चलते हैं सर्विस सेंटर पे और देखते हैं। वैसे मैंने कोशिश किया था कि फ़ोन पे वो हमें कुछ अपडेट दे दें, भाई अगर महिंद्रा के सर्विस सेंटर से फ़ोन पे अपडेट मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो इसीलिए अब हमने डिसाइड किया कि वहाँ जाते हैं, देखते हैं, और अगर अपडेट मिल जाता है तो अपडेट करवाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों व्लॉगिंग एक्सपीरियंस और इम्प्रूव करने के लिए एक टूल और मंगवाया हमने, देखते हैं इसका एक्सपीरियंस। हालांकि सस्ती सी चीज़ है ये और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, और ये एक तरीके से सेल्फी स्टिक का भी काम करती है और ट्राईपॉड का भी काम करती है। तो इसको यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं शायद हमारा जो व्लॉगिंग एक्सपीरियंस है वो और थोड़ा और बेटर होगा। तो भाई ये देखो जो ये फ्रेम है, कुत्ते ने इसके दोनों साइड के जो लॉक होते हैं उसको तोड़ दिया है और शायद खा गया उसे। तो भाई चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है आज का दिन। तो भाई बारिश भी मिल गई अपने को, और बारिश के मौसम में भाई गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा है, और मजा आ रहा है यार ऐसे मौसम में ना। ऐसी बारिश में ऐसा मिल जाए आपको रोड जहाँ पानी ज्यादा ना भरा हो और आप आराम से गाड़ी चला सको तो मजा ही आ जाता है फिर तो। तो भाई फाइनली कनेक्ट कर दिया लैपटॉप को गाड़ी से और अब देखते हैं क्या होता है। वो डेटा इसका डाटा लिया जो डाटा है गाड़ी में। अच्छा हाँ। उसका क्या होगा उसके बाद? अब डाटा लगाएंगे नया। अच्छा इसका हटा दिया इसमें से वो नया डालेंगे इसमें? हाँ, नया है। अच्छा वो, और अपने बैकअप ले लिया है? हाँ। अच्छा ओके ओके। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर था उसका बैकअप ले लिया है भैया ने, और जो नया सॉफ्टवेयर डालना है अब वो डालेंगे ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो पुराना सॉफ्टवेयर का बैकअप अपने पास रहे, इसलिए उन्होंने वो सॉफ्टवेयर जो है वो बैकअप पे ले लिया है। और देखते हैं वो अपडेट करेंगे, कह रहे थे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं उसको अपडेट होने में, तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है। ठीक है, पेन ड्राइव से अपडेट होगा क्या? भैया पेन ड्राइव लगा के चले गए, यहाँ पर उन्होंने पेन ड्राइव लगाई और यहाँ पर आप देख पा रहे हो सॉफ्टवेयर पैकेज लिख के आ रहा है, तो अपने आप ही उसने रीड किया और अपने आप ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अब जो है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो अपडेट विल बी रिज्यूम रीस्टार्टिंग सिस्टम, भाई सिस्टम बंद हो गया, रीस्टार्ट हो रहा है। तो भाई अपडेट हो रहा है, अपनी स्कॉर्पियो एंड Z6 में भी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले अपने को मिल ही जाएगा अब। तो भाई जब तक गाड़ी अपडेट हो रही है, आई मीन सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तब तक हम आराम से बैठे हैं पिछली सीट पे
और इंतज़ार कर रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट होने का। वैसे मैं चाहता तो लॉन्च में ही बैठ सकता था, बट मैं बोला यार देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे कैसे अपडेट करते हैं, पता भी चलना चाहिए। यहीं गाड़ी में बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ। हो गए करीबन 20 मिनट और जो भैया बता रहे थे कि लगभग जो टाइम लगेगा वो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो बैठे हैं अभी मेरे ख्याल से और हमें 1 घंटा शायद लग जाए। इंतज़ार करते हैं बैठे बैठे। भाई ये वाली बुलेरो के शीशे देखो बिल्कुल जेट ब्लैक हो रहे हैं लोग। शौक बड़ी चीज़ है, चलान उलान देखा जाएगा लेकिन शौक पूरा होना चाहिए। तो भैया का लैपटॉप दोबारा कनेक्ट हो गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख के आ गया था, बट अभी इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दिखा नहीं रहा था। तो भैया अब लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे कोई नया सॉफ्टवेयर। तो भाई फाइनली एंड्रॉयड ऑटो मिल गया यार, चलो ये भी बढ़िया हुआ। और पूरे सर्विस सेंटर में एक ये गाड़ी है जो सबका ध्यान खींच रही है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। देखो और कमेंट्स में बताओ कैसी लग रही है। तो भाई फाइनली हमारी स्कॉर्पियन को मिल चुका है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, सो जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। एंड उसी के साथ में आप देख सकते हो कि हमारे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का जो टैब है वो भी आ चुका है। अब ये कैसे चलता है, इसका कैसी फंक्शनैलिटी है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप कि ये यूजफुल रही हो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।